हाय एक्सप्लोरर्स, वैसे तो हम इंडियंस को कई जगह पे ही वीज़ा लग जाते हैं, पर अफ्रीका में कुछ कंट्री और एशिया में कुछ कंट्री में वीज़ा नहीं लगता है, बट अमेरिका में ऑलमोस्ट हर कंट्री में वीज़ा लगता है एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री। दिस इज बोलीविया। वेल, बोलीविया में हम लोग को मिल जाता है फ्री वीज़ा ऑन अराइवल $100 में, पर आप चाहो तो उसे स्किप करके वीज़ा भी ले सकते हो जिसका कॉस्ट एकदम फ्री है और जिसका वीज़ा मिलना बहुत ही आसान है और आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाएगा। पर मैंने इंडिया से वीज़ा नहीं लिया था कॉन्सुलेट से, मैंने लिया था फ्रॉम चिले बिफोर एंटरिंग टू बोलीविया। तो वो वाला पार्ट अभी जाके आप चिले से देख लो, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीज़ा वीडियो। और ये वीज़ा वीडियो है बोलीविया के बारे में। पर साउथ अफ्रीका में फिलहाल सिर्फ बोलीविया एक कंट्री है जहाँ पे इंडियंस नॉर्मल पासपोर्ट वाले आ सकते हैं विथ वीज़ा ऑन अराइवल। आप फ्लाई कर लो बोलीविया में, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको $100 में, मतलब तकरीबन 7,000 रुपये। पर आप वो 7,000 रुपये बचा सकते हैं कैसे? पहले ही वीज़ा लेके कॉन्सुलेट से, जो कि आसान है पर थोड़ा ट्रबल है। ट्रबल में मतलब सुबह वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ा, ये साइज़ का फ़ोटो, ये एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, फिर आइटिनरी, फिर कवरिंग लेटर, फिर पासपोर्ट का फ्रंट फ़ोटो, फिर होटल बुकिंग, ये सब तो दे दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ चिले में बोलीविया कॉन्सुलेट पे, जहाँ पे मुझे सबमिट करना है और देखना है कि कितना दिन में वीज़ा मिलता है। बोलीविया वीज़ा हम लोग को मिलता है सिर्फ 30 दिन के लिए सिंगल एंट्री फ्री में, अगर आप पहले से कॉन्सुलेट से कराओ। अगर आप किसी भी बॉर्डर पर या फिर एयरपोर्ट से घुस रहे हो तो आपको $100 देने पड़ेंगे और वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 30 दिन के लिए। $100 तो देना नहीं है, खामो खा पैसे की बर्बाद कर जब पहले ही वीज़ा मिल जाए, तो आज वीज़ा लेने जा रहे हैं। Hey, my name is Raja and I'm on the road for more than a year. Follow my journey to see how to travel around the world with our Indian passport. 35 countries and counting. और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कैसे करना है वीज़ा एप्लीकेशन। वेल, आप अगर इंडिया से भी अप्लाई करो या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री से अप्लाई करो, प्रोसेस सेम है और इंडियंस के लिए फ्री है। तो चलो चलते हैं वेबसाइट। तो सबसे पहले ब्राउज़र में जाकर बोलीवियन एम्बेसी सर्च करो, उसके बाद बोलीवियन एम्बेसी का वेबसाइट खोल लो जो कि आराम से खुल जाएगा। और फिर वेबसाइट में खुलने के बाद आपको जाना पड़ेगा नीचे जहाँ पे मिलेगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। हर चीज़ स्पेनिश और इंग्लिश में लिखा होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर बहुत ही सिंपल है। पहले क्लिक करने का पड़ेगा इसमें, जहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें है मेनली आपको फोटो रेडी रखना पड़ेगा जेपेक में 150 KB, और डॉक्यूमेंट्स बाद में बताऊंगा। इंडिया सिलेक्ट कर लो, फिर सिलेक्ट कर लो अपना पासपोर्ट टाइप जो कि होगा नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट, या आप डिप्लोमेटिक वाले नहीं हो। फिर जाना पड़ेगा अपने दूसरे डॉक्यूमेंट लिस्ट पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपका जनरल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आप एक ओथ लोगे ऑटोमेटिक है, पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड, और येलो फीवर सर्टिफिकेशन, ये आपका मस्ट है, ये आपको कराना पड़ेगा किसी मेडिकल ऑफिस से, आपको मिल जाएगा येलो फीवर सर्टिफिकेट, और 2 फोटो फॉर टूरिस्ट वीजा यूनिट ट्रैवल आइटिनरी, जो आपका लिस्ट होगा कहाँ कहाँ जाने वाले हो, होटल बुकिंग से काम बन जाएगा, और देना पड़ेगा फाइनेंशियल प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड। फिर वापस आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो फॉरवर्ड। पार्ट वन पे आपको देना है सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स है, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह, कुछ अलग नहीं है, बस आपको जनरल डिटेल्स भर देने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बोलीवियन वीज़ा के लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, फॉर्म बहुत ही ईजी, आप खुद फिलअप कर सकते हो, बेसिक डिटेल्स ही मांगते हैं। और अभी आपको देना पड़ेगा इसके साथ अपलोड अपना फोटो, जो कि 3x3 साइज में होना चाहिए और 150 KB के नीचे, 150 KB काफ़ी होते हैं, आपको आराम से कंप्रेस फोटो मिल जाएगा। वेल, फोटो कैसे कंप्रेस करते हैं ये मैं आपको नहीं सिखाने वाला इस वीडियो में, वो आप गूगल कर लो। बाकी फोटो अपलोड करने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टेप टू में मांगेंगे कुछ और डिटेल्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप बस आगे बढ़ते रहो। आगे स्टेप टू में आपको देना पड़ेगा सिर्फ अपना पासपोर्ट का डिटेल्स, यानी कि कहाँ पे इशू हुआ है, कब इशू हुआ था, वैलिडिटी वगैरह, और फिर आगे बढ़ना है स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में आपको पूछा जाएगा कि आप पहले क्या अप्लाई कर चुके हो वीज़ा के लिए। तो इन जनरल अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो वीज़ा के लिए, तो आप कह दो कि नहीं, आपने अप्लाई नहीं किया है, और आप कहाँ पे जाने वाले हो, तो आप इजीली क्लिक कर दो लापास, जो कि कैपिटल है यहाँ का, और ये क्लिक करने के बाद आप चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डू यू हैव फैमिली इन बोलीविया। वेल, आई गेस यू डोंट हैव अ फैमिली इन बोलीविया, आपका वहाँ पर परिवार नहीं है, तो आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको देने पड़ेंगे इमरजेंसी डिटेल्स, कि कौन कौन इमरजेंसी में आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आप डाल दो आपके जो इमरजेंसी वाले पापा मम्मी दोस्त वगैरह, ये डाल के नेक्स्ट कर दो। ये हो गया 4th स्टेप। अभी आने वाला है 5th स्टेप, जहाँ पे आपको करना है कई सारे अपलोड्स। मैं अपलोड्स आपको बता दूँ,
पहला है अपना ट्रैवल एट्री, आपको वार्ड में लिखना है अपना ट्रैवल एट्री, कहाँ कब जा रहे हो वो लिख के आप अपलोड कर दो। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का फोटो, नेक्स्ट आपका येलो फीवर का फोटो, और फिर आगे अपना अपना इकोनॉमिकल डिटेल्स यानी कि अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। फिर आपको देना पड़ेगा अपना इन्विटेशन लेटर यानी कि अपना होटल बुकिंग से काम बन जाएगा, फ्री वाला होटल बुकिंग से काम बन जाएगा। फिर आपको प्रिंट कर लोगे ये वाला फॉर्म, फॉर्म में आपको यहाँ पे साइन करना है और इसे प्रिंट आउट निकाल लेना है, और इन सब के साथ जाना पड़ेगा आप लोगों को बोलिवियन एम्बेसी आपके नियरेस्ट वाला। ये फॉर्म वैलिड रहता है 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के अंदर आप चले जाओगे तो आपको ये फॉर्म सब जमा ले लेंगे विद 2 पासपोर्ट साइज फोटो। आप अप्लाई कर सकते हो न्यू दिल्ली में, मैंने अप्लाई किया था चिली से फ्रॉम सेंटियागो, तो देख लो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग वीजा। तो बोलिवियन एम्बेसी पे मैंने जब आया तो सब जमा कर दिया, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें फ़ोटो है, फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी करेंट वाली, 150 KB के नीचे होनी चाहिए, और उसके साथ मैंने दिया आइटिनरी, कवरिंग लेटर, होटल बुकिंग कुछ दिनों का, और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मतलब क्रेडिट कार्ड का फ़ोटो या फिर आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मैंने ये सब जमा कर दिया एक कॉपी के साथ, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी के साथ, और उन्होंने मुझे 4 बजे बुलाया, मैंने जमा किया था 1 बजे, तो 3 घंटे हो चुके हैं, 4 बज चुका है, और वो है बोलिवियन एम्बेसी। अभी जाते हैं वीज़ा कलेक्ट करने, मतलब टेक्निकली 3 घंटे में वीज़ा मिल गया, अगर मिल गया अभी तो बाकी देखते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया था पहले, अभी जा रहा था मैं कलेक्ट करने फ्रॉम द बोलिवियन एम्बेसी। मेरे पास सारे प्रिंट आउट नहीं थे, इन्होंने प्रिंट कर दिए, मैंने बस मेल किया, वाईफाई का कोड दे दिया मुझे, अच्छे थे। 20 मिनट्स लेटर मिल गया वीज़ा, अब तक का सबसे फटाफट वीज़ा ये था जो कि प्रिंट होकर आया है। ऑनलाइन वीज़ा तो ई वीज़ा 10 सेकंड में मिल जाते, कभी कभी 1 मिनट में मिल जाते, पर जो प्रिंट करके पासपोर्ट पे दिया ये वीज़ा बोलीविया का, अब तक का फास्टेस्ट था, 3.5 घंटे में मिल गया। आज सुबह एप्लीकेशन अप्लाई किया था यहाँ पे, 1 बजे एप्लीकेशन जमा दिया, और अभी 4 बजे बुलाया और 4:30 बजे मिल गया वीज़ा हाथ में प्रिंटेड। वीज़ा वैलिड है 3 महीने के लिए, पर 3 महीनों के अंदर एक बार ही जाना पड़ेगा, और सिंगल एंट्री वैलिड है 30 दिन के लिए स्टे। तो आज है 2nd of January, तो ऑलमोस्ट 2nd of April तक मेरे पास टाइम है पहली बार बोलिविया घुसने के लिए, और उसके बाद 30 दिन रहने का वक्त मिलेगा। अगर मैं फरवरी के जैसे मैं जाने वाला हूँ जनवरी के 15 तारीख को, तो जनवरी के 15 से फरवरी के 14 तक आई कैन स्टे, उसके बाद ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। पर मैं फिर से अगर जाने का मन हो तो कोई भी एम्बेसी में जाके फ्री में 3 घंटे में एक और नया वीज़ा ले लगाऊँगा। इतना आसान था बोलिविया का वीज़ा, और बोलिविया बहुत सस्ता भी है, तो मज़े आएंगे। सो आई गेस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग जरूर एक्साइटेड होंगे बोलिविया जाने के लिए, क्योंकि ये कंट्री का वीज़ा मिलना भी बहुत ही ईजी है, कंट्री घूमने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और कंट्री बहुत सस्ता भी है। पर हाँ, वहाँ का जाने के लिए इंडिया से फ्लाइट महंगी है, पर उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हाउ टू गो टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, वो वाली वीडियो आप देख लेना। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताता हूँ, साउथ में एक दूसरा कंट्री था इक्वाडोर, इक्वाडोर अपने लिए फुल वीज़ा फ्री था, कुछ भी नहीं मतलब कॉन्सुलेट से भी वीज़ा नहीं लेना पड़ता था, जस्ट फ्लाई इन और आपको इक्वाडोर में एंट्री मिल जाता था फ्री में। बट 2019 के अगस्त से ये बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई इक्वाडोर में जाते थे, वहाँ पर रह लेते थे कंटिन्यूस। इनफैक्ट अगर इक्वाडोर जाओगे तो आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे वहाँ पे, इंडियन शॉप मिल जाएंगे, क्योंकि सबका टारगेट रहता है कि साउथ अमेरिका से किसी तरह यूएसए पहुँच जाऊँ। वैसे मैं गया था इक्वाडोर एम्बेसी में टू इंक्वायरी अबाउट आवर वीज़ा, पर पता है अभी वीज़ा लेने के लगता है $450, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मुझे वहाँ पर एम्बेसी में मिला था एक पाकिस्तानी बंदा जो कि इक्वाडोर में रह रहा था कई सालों से, आप वो वाला थोड़ा एक्सपीरियंस देख लो, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, वरना सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द अपकमिंग बोलिवियन सीरीज एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा। अभी वो एक बढ़िया से बिल्डिंग में चिले में जा रहा हूँ इक्वाडोर के कॉन्सुलेट में, और ऑलरेडी साथ में लेट हो चुका हूँ, बंद हो चुका है कॉन्सुलेट, देखते हैं खुला है कि नहीं। पर नो पासा नाद, la visa se le venció o el pasaporte? No, pasaporte. No pasa nada. No pasa nada porque no anunciaron eso, eso no me sirve. No, tiene que sacar ahorita un pasaporte vigente y hacer trasladar la visa. Calmo, porque en el 2016 mi paisano porque estaba $20, ¿no? नहीं भाई, मैंने पासपोर्ट के लिए दे रहा है $70 बहुत महंगा है। महंगा है अपने इंडिया में तो $15 में, $15-20 में मिल जाता है भाई, पाकिस्तान में मिल जाता है जो ये 500 का 500 रुपये में, 500 रुपये अपना 1.5 हज़ार लगता है। कितना लगता है मेरा, कितना लगता है
सकते हो हजार हजार में इमरजेंसी का हजार है हाँ वो कम फीस है अपना नॉर्मल 13,000 और महंगा वाला बस जल्दी वाला महंगा वाला भाई 2,000 वो भी मेरा 500 मैं तो 3 साल इधर $70 तो इधर कहाँ घर में क्रैश चले कहाँ पे तू रह रहा है वो इंटरनेट में ढूंढने से सब मिलता है तो मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी भाई मिले एक जो काम करते हैं इक्वाडोर का पासपोर्ट है अभी चिली में रह रहे हैं और सुन के पागल हो गए कि मैं यहाँ पे पागल हो गया मैं आया हूँ पर वो सब छोड़ो सबसे घटिया बात जो लगी वीज़ा जो चाहिए इक्वाडोर के लिए वीज़ा का प्राइस सुनोगे तो दिमाग खुल जाएगा $450 एक महीने के वीज़ा के लिए लगता है इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया या फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया $450 देकर मैं इक्वाडोर नहीं जा रहा भाई माफ़ करना।